नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू स्टार्ट माय जर्नी ऑन यूट्यूब, कि मैंने यूट्यूब पे अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट और मैं कैसे यूट्यूब पे आया। तो स्टार्ट होता है समय 2016 का, जब मैंने कमबैक किया। और आप अच्छे से जानते हैं कि उस समय मोबाइल्स वगैरह का इतना चलन नहीं था, अगर था भी तो लिमिट था, जियो वगैरह नहीं आया हुआ था। और सही बताएं तो मेरे पास 3G मोबाइल भी नहीं था जो किसी भी तरीके से वीडियो को चला पाए या दिखा पाए, इस तरीके का वीडियो नहीं था। ठीक है, नॉलेज तो बहुत था लेकिन नॉलेज समय समय पे अपडेट करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए जरूरी है नॉलेज को अपडेट करना। हम लोग नॉलेज को अपडेट नहीं करते और पुराने नॉलेज के साथ चलते हैं, यानी पुराना नॉलेज प्लस नया नॉलेज दोनों ही जोड़ना बहुत जरूरी है। कहाँ पर जोड़ना है? डाइट पे, एक्सरसाइज पे, बैलेंस कर। शायद आपको मालूम होगा कि मैं पहला ऐसा यूट्यूबर था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, जिसने पहले ही चरण में इस बात का खंडन कर दिया कि 3 से 4 सेट में एक्सरसाइज में बॉडी नहीं बनती। क्योंकि उस समय जब मैं यूट्यूब पे आया था और मैं यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा था, तो मैंने यही देखा था, कोई भी ऐसा यूट्यूबर्स नहीं था उस समय जो ये बता रहा हो कि आपको FST7 करनी है या GVT करनी है, इस तरह की एक्सरसाइज नहीं बता रहा था। ठीक है, धीरे धीरे देखते 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 समय बदला, आज का दौर तो ऐसा चल रहा, हर इंसान कह रहा है मैं GVT कर रहा हूँ और मैं FST7 जॉइंट सेट मार रहा हूँ, सब ऐसे ही। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ 2016 में हुआ क्या। 2016 तो पूरा निकल गया और थोड़ा सा जो मेरा शरीर एकदम से फैटी हो गया था वो भी बदल गया था, मेहनत कर रहा था। मेरे को नॉलेज क्या नहीं थी, मेरे को नॉलेज नहीं थी डाइट की, डाइट को कैसे बैलेंस करना है, कितना किस में प्रोटीन होता है, इसकी जानकारी नहीं थी कि अंडे में कितना प्रोटीन है, चिकन में कितना प्रोटीन है, इसकी जानकारी मेरे को थी। अब 2017 की स्टार्टिंग होती और एक लड़का मेरे पास आया फेसबुक में मेरे को फॉलो करते हुए, जिसको मेरे बारे में पता लगा कि मैं एक टीचर हूँ और जिम में भी मैं अपना योगदान रखता हूँ, यानी एक्सरसाइज करता हूँ मैं। तो उसने कहा मैं इन्हीं का जिम ज्वाइन करता हूँ, अच्छी फैमिली से था वो और उसके पास मोबाइल वगैरह सब था। जो वो आया तो उसने मेरे को वे प्रोटीन के बारे में बताया, कैसिन प्रोटीन के बारे में बताया, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन के बारे में बताया, यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर्स के भी नाम लिए जो उस समय बहुत चर्चा का विषय थे। ये 2017 की स्टार्टिंग की बात करूँ तो जैसे गुरुमान का चैनल हुआ, उसने बताया कि गुरुमान का चैनल है जो हिंदी में अपनी सारी वीडियोस बनाते हैं और अच्छी जानकारी देते हैं और प्रोटीन वगैरह की जानकारी दी, बॉडी बिल्डर्स किस तरीके से प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन कब लेते हैं, हाइड्रोलाइज्ड कब लेते हैं या वे प्रोटीन कब लेते हैं, इनके बारे में बात की। लेकिन बॉडी उसकी उस टाइप की नहीं थी, जबकि वो सप्लीमेंट्स वगैरह ग्लूटामाइन सप्लीमेंट वे प्रोटीन सारी चीजें यूज करता था, लेकिन वैसी बॉडी नहीं थी। रीजन था कि वो उतनी मेहनत नहीं करता था जितनी उसको करनी चाहिए। खैर समय बीतता है और जियो आया और जियो आने के बाद उसने तबाही मचा दी, 3 महीने का फ्री। अच्छा तब तक मैंने एक मोबाइल भी ले लिया जो सपोर्टेड था 3G को और वहां मैं वीडियो देख सकता था। उससे पहले मैं क्या करता था कि मुझे कुछ भी देखना होता तो मैं गूगल में सर्च करके देखता था। लेकिन अभी जब वीडियोस आती हैं तो सबसे पहले जब उसने बंदे ने नाम लिया गुरुमान का, तो मैंने सबसे पहले जितने वीडियोस बैक पे गुरुमान की थी सारी की सारी देख ली, सारी देख ली। इसके अलावा कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है आज की डेट पे जिसकी मैं वीडियो नहीं देखता हूँ, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी यूट्यूबर हो, मैं उसकी वीडियो जरूर देखता हूँ किसी भी टॉपिक पे। अच्छा मेरा मनपसंद चैनल क्या है, मेरा मनपसंद जो इंडिया में चैनल है वो है ऑल अबाउट ओलंपिया। ऑल अबाउट ओलंपिया जो है ये अविरल का चैनल है और ये बहुत ही बढ़िया चैनल है, मैं पसंद करता हूँ क्योंकि मैं शुरुआत से ही NPC के बॉडी बिल्डर मुझे ज्यादा अच्छे लगते रहे, प्रभावी लगते रहे, कंप्लीट लगते रहे। इंडिया में लेक रहा है इन सारी चीजों का, कंप्लीट बॉडी बिल्डर नहीं, पहले तो नहीं थे, अभी भी वही गलतियां कर रहे हैं अभी भी लड़के। अब तो खैर डायरेक्शन ही चेंज हो गया, पहले लड़के मेहनती थे, अपने दम पे आते थे, पूरा नेचुरल फूड्स लेकर के अपनी दम पे अपनी मेहनत पे परफॉर्म करते थे स्टेज पे। अभी तो गेम अलग हो गया आप देख रहे हो। ठीक है, मतलब पहले अगर 10% 20% होगा इनहेंसिंग सब्सटेंस, तो इस समय यार
50-60-70% तो हो ही गया है बड़े शहरों में, तो यार क्या मैं कहने 80% तो हो गया है बड़े शहरों में। छोटे शहरों में जैसे हम लोगों के शहर आते हैं यूपी के कानपुर वगैरह आते हैं, तो यहाँ आज भी इस तरीके का चलन नहीं, किसी भी जिम में जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं चलता। लेकिन जो ज्ञान लेके आते हैं ना इधर उधर से फालतू वाले, वो यार सब गड़बड़ कर देते हैं, वो बताते कुछ और हैं करते कुछ और हैं और सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। जब हम नेचुरल से दूर रह जाते हैं, आपको शायद यकीन नहीं होगा कि आप नेचुरल क्या कर सकते हो, कितनी आपकी पावर है, आप यकीन नहीं कर सकते। विल पावर इंसान की अगर मजबूत है, यार मिल्खा सिंह आप बॉडी बिल्डर मत समझ लेना भाई, एथलीट की बात मैं कर रहा हूँ। मिल्खा सिंह 400 मीटर 200 मीटर ठीक है, जिन्होंने पे पिक्चर बनी थी भाग मिल्खा भाग, तो यार जानते हो ना उनकी रियल स्टोरी क्या थी, और वही उन्होंने दिखाने की कोशिश की, कितनी मेहनत करनी पड़ी, मुंह से खून आ रहा है इधर से। रियल में यार बॉडी बिल्डिंग आसान गेम नहीं है, और मैं नहीं कहता मुंह से फवारे मार दो या उल्टी कर मारो, उल्टी तो आदमी तब करता है एक्सरसाइज के दौरान जब वो खाना खूब खाए रहता है और उसको ढंग से हार्ट बीट तेज होती है और वो डाइजेस्ट तो होता नहीं, हार्ट बीट तेज होती है तो वो उल्टी करता है, करता देखा मैंने उल्टी कर दी, बहुत बहादुरी काम थोड़ी ना कर दिया आपने। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि ये दौर गुजरा मेरा, और मैंने यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी मैंने नॉलेज क्या लिया, डाइट एक्सरसाइज कर लिया क्या, बिल्कुल एक्सरसाइज का भी मैंने देखा सारी वीडियोस। अगर मैं इंटरनेशनल चैनल्स की बात करूं तो मैंने को हैनी रैम्बॉट, केवल वो ऐसा एक चैनल है हैनी रैम्बॉट जो मुझे पसंद है, अभी मेरा जो स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप को उसमें देखता हूं, टेक्सटाइल ली को मैं उसमें अपने आप को देखता हूं, इसलिए मैं उसको बच्चे को लेके आता हूं, बहुत अप्रिशिएट करता हूं उसके लिए, क्योंकि वाकई यार उसकी उम्र जिस उम्र से वो कर रहा है 12-13 साल से, तो यार 10 साल की उम्र से मैं भी कर रहा था, देख रहा था कि हाँ यार इसके पास डाइट थी, हर चीज है, ट्रेनर है, हर चीज है, लेकिन मेरे पास वो चीज नहीं थी, ना मेरे पास डाइट थी ना मेरे पास ट्रेनर थी, लेकिन मैं तब भी अच्छा कर रहा था, परफॉर्म अच्छा कर रहा था, बिल्कुल ट्रेस्टाइन ली की तरीके परफॉर्म कर रहा था, मसल्स वैसे ही बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन उतनी छिली हुई नहीं, क्योंकि वो तो टोटल प्रोटीन वगैरह और वे प्रोटीन वगैरह यूज कर रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, मेरे पास वो सारे सोर्सेस नहीं थे, थे भी तो कम थे, दूध था, क्योंकि पुराने समय मेरे पास गाय हुआ करती थी, पापा लिए आए थे गांव से, तो वो गाय का जो दूध था वो 3-4 लीटर होता था, जिसमें से 2 लीटर या 1.5 लीटर दूध मेरा होता था, उसके अलावा दलिया वगैरह खा ली, यही डाइट हुआ करती थी। अब डाइट यार जब मैंने देखा ना कि डाइट का बड़ा ही खेल, कितना प्रोटीन किसमें, इसका रेशियो तालमेल, और मैंने कुछ चीज ऐसी भी देखी जो यूट्यूबर्स बताते महंगी डाइट, चिकन अंडे तो खाने, लेकिन यार ऐसी चीजें वो ऐड करवा रहे थे जो मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलती है आम आदमी, ऐसी चीजें दिखा रहे हैं, मैंने यार कुछ ना कुछ यार ग्रीन वेजिटेबल में हल्का किया जाए, और ये बड़ा कॉस्टली जाएगा इस तरीके से दिखा रहे हैं, और हर आम आदमी के पहुंच से दूर रहेगा। तो मैंने वो डाइट को डिजाइन किया, प्रोटीन को समझा और कितना क्या है, सारी चीजें को समझा, कितना कार्ब कितना फैट, ये सारी चीज समझने के बाद मैंने अपने डिजाइन को चेंज किया, यहाँ तक कि मैंने एक्सरसाइज में अपनी कोई डिजाइन नहीं की है, जो मेरी पुरानी ट्रेनिंग चलती थी बिल्कुल सेम वही ट्रेनिंग आज भी मेरी चलती है, GBT आपने देखा, FST7 देखा, 2002-2003 में जब मैंने जिम खोला है, तो रियल आप मानिए 3 में ना मैंने किताब पढ़ी ना मैंने बुक पढ़ी, लेकिन मैं FST7 और GBT तब भी किया करता था, आप समझ लीजिए, और आज भी मैं उस चीज को परफॉर्म कर रहा हूँ, हार्ड एक्सरसाइज हो, और कुछ एक्सरसाइज मैंने नई डिजाइन की है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोज में आप लोगों को दिखाई है, बहुत अच्छी वीडियोज है ये, और बहुत सपोर्ट करती है दिमाग में एक एथलीट की तरीके, फील्ड में खड़े होकर के दौड़ना भागना, उन सारी चीजों से ही कुछ चीजें रिलेट करते हुए मैंने यहाँ किया है, अपनी एक्सरसाइज में भी डिजाइन किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपको दिखाया, मैंने सबूत भी दे दिया उस चीज का कि वो बहुत अच्छे से काम करती है। अब बात आती है कि यूट्यूब चैनल मैंने बनाने की कैसे सोची, एक्चुअली देख रही है आप मेरी पहली वीडियोज देखना, तो उस वीडियो में मैंने स्क्वैट मार रहा हूँ, और स्क्वैट समथिंग 155 किलो की एक वीडियो पड़ी है, जिसमें 155 किलो का मार रहा हूँ, 155 केजी की रेपिटेशन मारी है, उसके बाद मैंने 175 के आसपास वजन लगा के कम किया है, कितना किया है, थोड़ा किया है, कितना कर रहा हूँ वो एक अलग मैटर है, शुरुआत वाली वीडियो, उसके बाद मेरी पूरी एक साल की गैपिंग हो गई लगभग, मैंने वीडियोज नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि एक लड़का मेरे जिम में आया और जिसने मेरी वीडियो बनाई,
और वीडियो बनाने के बाद मैंने कहा मेरे को दे देना, मैं अपने चैनल में डाल दूँ। इतना क्रेज नहीं था मुझे यूट्यूब में आने का, मैंने कहा डाल देना तो मैं शेयर कर दूंगा कि जेन्युइन सप्लीमेंट कैसे पहचाने। तो वो बंदे ने क्या किया, अपने चैनल में डाल दिया। क्या थोड़ी भाई चीज मेरी है, डाल तुम रहे हो जबकि मैंने मांगा था मेरे से। तो मैंने कहा यार एक छोटी सी चोरी, एक छोटी सी चोरी ने मुझे यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया। फिर तब से लेके मैं पलटी नहीं मार रहा हूँ। ये कितनी इतनी तेज थी मेरे दिमाग में कि वो आज तक मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि यहां से मैंने स्टार्ट किया, मैंने आम इंसान भी यूट्यूब से देख करके सीख सकता है, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका होना चाहिए। अगर मैंने आपसे कहा है अश्वगंधा, तो यार अश्वगंधा आप बाहर निकलोगे, ढूंढोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे या गूगल पे उस पेड़ को पहचानोगे गूगल में देख करके। हाँ भाई, लेके आप गए फील्ड पे, आपने देखा पेड़ वैसे ही ऑरेंज कलर के दाने दिख रहे हैं, क्या पत्ते वैसे मिल रहे हैं, ठीक है। खाने में थोड़ा सा अकुरा रहा है, कड़ुआपन आ रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा उसके जैसा पौधा कोई होता नहीं, अगर होता है तो मकई होती है, मकई क्या कहते हैं उसको, मीठी होती है वो खाने में, उसमें भी दाने निकलते लेकिन मीठी होती है, और इसमें छिल रस भरी जैसे होती है उसमें छिलका निकलता है, तो इसमें छिलका भी निकलता है, ठीक है। तो इसमें छिलका आप निकालोगे तो रस भरी की तरीके छिलका निकलेगा और ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है भाई। कोई बराबरी नहीं है किसी एस्ट्रॉइड में, इतनी ताकत नहीं है, औकात नहीं है कि इसकी बराबरी कर ले। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, लग रहा है मजाक, बिल्कुल मजाक समझो आप, आपको लगता है मजाक, मजाक समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप मेरे को पसंद करते हैं, आप मेरे चैनल को देखते हैं, जो देखते हैं धन्यवाद, जो नहीं देखते उनको भी धन्यवाद, कि कहीं ना कहीं से तो ज्ञान लोगे और कभी ना कभी तो बनाओगे यार, बनाना है तो मेहनत करो, क्यों हवा में उड़ रहे हो, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो। बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है। वो जो आप नहीं करोगे, कभी कभी खून भी बहाना पड़ता है जब हाथों की ये फट जाते हैं। वेट लिफ्टिंग में तो मेरे पूरे हाथ फट जाते थे, पूरी खाल उगड़ उगड़ के चली जाती थी, पट्टियां बांध के किया करते थे, समय वो भी था, अभी ऐसी कोई दिक्कत फेस नहीं करते। 2016 का वो भी समय था मेरे पास जब मेरी ज्वाइंट्स, एक एक ज्वाइंट्स दर्द होती थी एक्सरसाइज करते हुए, और मैं अपने साथ में करने वाले पार्टनर से केवल इतना कहता था भाई ये ज्वाइंट्स खत्म हो जाए यार, फिर मैं तबाही मचा दूं। आज की डेट है कि वो ज्वाइंट्स पेन कहाँ है मुझे तो पता ही नहीं चलता कि थे भी कि नहीं थे, और ये कैसे हुआ, एक चिकनगुनिया हुई और बस। जिन जड़ी बूटियों को मैं जानता था उनको मैंने रेगुलर पीना चालू कर दिया। एक्चुअली होता क्या, यही होता है कि हम लोग जानते हैं कि मॉर्निंग में दौड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। जिम जाना बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, कार्डियो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग करते नहीं। लेकिन जिस दिन आप करने लगोगे ना, उस दिन आपको मजा भी आने लगेगा। आप ये समझ लो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल खाने के तरीके करनी है, जैसे आपको खाना आपको जरूरी है वैसे एक्सरसाइज जरूरी है अगर आप फिट रहना चाहते हो, ठीक है। और ये चैनल में किसी भी तरीके से ऐसे आर्टिफिशियल सब्सटेंस के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। दो चार चीजों में मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, मेरे पर्सनल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, मैं किसी के एक्सपेरिमेंट नहीं रीड करता, मैं कहीं किसी की फिलोसफी पे नहीं जीता, क्या उसकी थ्योरी है, क्या उसके सिद्धांत है, इन पे मैं काम नहीं करता। मेरी थ्योरी क्या है, मेरे सिद्धांत क्या है, मैं इस पे काम करता हूँ। कोई चीज क्यों कैसे काम कर रही है बॉडी पे, कैसे रिएक्ट करती है, कब वो नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो कुछ चीजों को मैंने सैंपल यूज किया अपनी बॉडी पे, टेका ड्यूरा बॉलिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन की बात करूं तो बहुत ना के बराबर ही मैंने यूज किया होगा, एक दो इंजेक्शन यूज किए होंगे, एक कुछ डिबिया आई मेरे पास गोलियों की वो मैंने यूज की। लेकिन यार मैंने इन्हीं सारी चीजें देखा, मेरे भाई जब अश्वगंधा से तेरा काम हो जाएगा तो क्यों मरे जा रहे हो फालतू की चीजों में। अब मैं इनकी गोलियां बना के इंटरनेशनल कैसे बेचू भैया, जिसके पास कंपनी है अगर औकात है तो इन दानों के टैबलेट्स बनाए आप बेचे आप। लेकिन यार वही है ना, जेन्युइन तो जेन्युइन होता है, नकली तो भैया कोई बना के बेच देगा, है ना। जेन्युइन यही है कि आप तोड़े खाएं, ये जेन्युइन। मार्केट में आपसे कह रहा है ये बीजों का है बना हुआ, पहली बात तो मिलेगा ही नहीं,
है ही नहीं। मिल अगर मान लो आने वाले समय में मैंने किए बहुत लाइफ में अनुभव किया, 30 साल का अनुभव बहुत होता है, किसी भी यूट्यूबर को 30 साल का अनुभव नहीं है अपनी इस फील्ड पे। मेरे पास छोटे से लेके बड़े तक के कोई भी बुजुर्ग बच्चे, 10 साल के बच्चे से लेके बुजुर्ग इंसान कोई भी आता है तो मैं उसे ट्रेंड कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये होता है नॉलेज को अपडेट करना। तो मैंने आपको बताया, मैंने सबसे स्टार्टिंग में गुरुमान का चैनल देखा और आज की डेट में कोई भी ऐसे चैनल नहीं जिसको मैं नहीं देखता हूँ। हर जगह से ज्ञान थोड़ा बहुत लेता रहता हूँ, देखता रहता, लेकिन कमेंट नहीं करता यार, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई कमेंट करने का, उल्टा सीधा ऐसा नहीं इसको सही कर लो, क्या ज्ञान बांटना यार, अपनी औकात कुछ है नहीं दूसरे को हम ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है। पहले अपनी औकात बनाओ, फिर दूसरा अगर पूछे कि सर ये बताओ, फिर उसको बताने में मजा आती है, ऐसे फालतू में ज्ञान बांटना बेकार भी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये मेरी स्टार्टिंग थी, इस तरीके से मैं आया, धक्का लगा और बॉडी बिल्डर मैं कैसे बना, ये भी बड़ी ट्रेजेडी है यार, बॉडी बिल्डर में कभी नहीं बनता। 2016 में मेरे पास एक चेला था जिसने 15 में एक जिम में जाते थे 2-3 महीने के लिए गया, उसने कहा सर जिम खोलो आपके पास सामान वगैरह पड़ा हुआ है। खैर कैसे तैसे हमने कहा यार मैनेज कैसे, नौकरी के साथ बड़ा मुश्किल होगा, मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मॉर्निंग में तो बिल्कुल मैं देख लूंगा, मैंने कहा इवनिंग में तो मैं रहूंगा। कैसे तैसे हुआ, 8 महीने बाद वो भी भाग गया, मैं तो फंस गया यार। आजकल लड़के जिम देखने वाले लड़के नहीं मिलते भैया, तेरे को मैं जिम तेरे लिए फ्री 1000 रुपए भी तेरे को दे दूंगा, केवल 1 घंटे के लिए मेरा जिम देख ले, वैसे लड़के भी आज नहीं मिलते हैं, आप समझ लीजिए बुरी हालत है। और हमारे समय में ऐसी हालत थी कि अगर ये भाई जिम वाला कहते ना ये जिम तू देखेगा, हाँ बिल्कुल देखूंगा, 500 रुपए तो ये देने पड़ेंगे, अरे 500 रुपए भी ले ले जिम भी देखूंगा, दोनों टाइम एक्सरसाइज करने को मिलेगी, वो वाला अलग था। खैर 500 रुपए फीस नहीं थी, 100 रुपए फीस थी, तो वो उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो डाइट की नॉलेज नहीं थी, नॉलेज का कहने का मतलब है कितना क्या प्रोटीन कितना क्या डाइट लेना चाहिए, फिर नॉलेज होने के बाद मैंने उसको डिजाइन किया अपने हिसाब से, आज मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने उसी डिजाइन को, किस तरीके से डाइट लेनी चाहिए, क्या है क्या नहीं। तो ये नॉलेज कहीं ना कहीं से आपको लेना पड़ता है और कहीं ना कहीं से आपको अपडेट करना पड़ता है, चाहे चैनल किसी का भी, ठीक है। तो मेरे मनपसंद चैनल हैं दो, एक है इंडिया में ऑल अबाउट ओलंपिया अविरल भाई का अपने, और दूसरा चैनल जो मेरा है हैनी रैम्बोट का, ठीक है। तो ये दो चैनल है, हैनी रैम्बोट और ऑल अबाउट ओलंपिया अविरल भाई का। तो दोस्तों यही था मेरा टॉपिक, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैं आया यहाँ पे धक्का खाते हुए यूट्यूब पे, और धक्के मुझे खाने पड़ेंगे क्योंकि लोग मुझे आज भी कह रहे हैं कि साले तुम झूठ बोलते हो। खैर मुझे तो मालूम है ना आगे क्या होने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ। भाई एक चीज मैं बता दूं, मेरी उम्र जो है 40 क्रॉस हो गई, 41 लग गई है, यानी अब मैं मास्टर कैटेगरी में भी इंडिया में खेल सकता हूँ, ठीक है। और जरूरत नहीं है मेरे को भी किसी तरीके से इनहेंस होने की, जब मेरी बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा दे रही है तो मैं इनहेंस्ड क्यों हो जाऊं, आप सोचिए। खा के भी देखा ऐसा नहीं है, लेकिन यार किक नहीं मिलती, किक लगना चाहिए ना कि नहीं साला कुछ डाला है तो बॉडी भी वैसे, लेकिन बहुत डालना पड़ता है यार, पता किया है तो साला 6-7 साल चलते हैं यार, आदमी का लीवर किडनी सब बुरादा हो जाता। भैया जिसके पास ज्यादा पैसा हो वो खर्च करे और लीवर किडनी अपने जो है बाहर निकाल के धर दे ऐसे कर, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं होता यार, ऐसा कैसे हो सकता, आप आर्टिफिशियल आइटम ले रहे हो आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता। बाकी तो नेचुरल में भी मैं कहूंगा कि अश्वगंधा अगर आप ले रहे हो आपको मिल गया है कहीं से, आप खाना चालू कर रहे हो, तो यार आप 2 महीने आप लो और 2 महीने के बाद आपको फिर से 1-2 महीने की गैपिंग करनी है। क्यों? क्योंकि जो हम डोज ले रहे हैं उसका एक समय ऐसा आएगा कि हमें कम पड़ने लगेगा, फिर हमारी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो वो उतनी ही डिमांड में आपका काम हमेशा होता है, सिर्फ 1-2 महीने की गैपिंग करनी जरूरी है। 2 महीने खाया, 1 महीने गैपिंग मारी, फिर तो वही चीज आपको असर करती रहे, लगातार नहीं खानी। मैं भी कभी नहीं करता, अभी अभी मैंने चालू किया, आपने देखा होगा मेरी पहली वीडियो, मैंने लगभग साल भर हो गया होगा अश्वगंधा पे वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी यार इधर, ठीक है। अभी क्या डाइट वाइट पैसा वैसा गोल है ही नहीं, तो फिर से मैं वापस उसी में आ गया, घूम फिर गया अपनी डाइट वगैरह में। तो बस यही है दोस्तों, ठीक है। तो फिर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी, और आपको और भी चीजें जाननी है मेरे बारे में, बचपन में मैं कितना शरारती था, क्या बदमाशी करता था, या अपनी मम्मी पापा से मैंने कितनी मार खाई है, किस तरीके से खाई है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने, कुछ भी छुपा नहीं और ना छुपाऊंगा, जो है वो चीज मैं रखता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है नहीं भाई तू छुपा रहा है, या छुपा
पाने वाली क्या बात है यार, मुझे समझ में नहीं आता। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, जो ज्ञान मुझे नहीं है उसमें मैं यार क्या, आप लोगों को जो मैंने ज्ञान कभी लिया नहीं है उस पर आप क्या तो मुझे ज्ञान बांट दो। तो यार ज्ञान जो मैंने लिया ही नहीं वो कहाँ से बांट दूंगा, जब मैं ज्ञान ले लूंगा मेरे को ज्ञान उस चीज का हो जाएगा तो 100% मैं आप लोगों को बांट दूंगा, दे दूंगा, बता दूंगा, छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं बताऊंगा तो कहूंगा फोन कर लो भैया सारी जानकारी दे दूंगा तुमको। ठीक है, आज भी मेरे पास इतने सारे आते हैं उनको पहले मैं बता देता हूँ, इनहेंस्ड के बारे में कुछ मत पूछना, जानकारी नहीं है मेरे को, कुछ एक्सपीरियंस रहे बड़े गंदे रहे हैं। ठीक है, ज्यादा यूज नहीं किया लेकिन गंदे रहे। ठीक है, बस यही कहना चाहता हूँ मैं, आपकी क्या मर्जी है, आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप समझें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तब तक के लिए नमस्कार।